कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग या हमारे पूर्वज राजा सलेश और चूहर कुमार का, ये वर्षों सदियों जब से हम लोग का जो रामायण और गीता कहा गया है उसी समय से हमारे राजा सलेश जी जो उत्पन्न हुए उसी समय से हम लोग का राजा सलेश जी राजा हैं और ईश्वर भी हैं और उसी समय से हमारे पूर्वज लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक भी ये पृथ्वी पर रहेंगे तब तक राजा जी को और ब्रह्म जी को हम लोग मानते रहेंगे और जितने भी हम लोग का रिलेशन में हो और अपराधी दोस्त महिम जो भी हो राजा समेत में तो प्रसाद मिलता है हम सारे समाज को खिलाते भी हैं बांटते भी हैं और हम लोग का पूर्वज शुरुआती पूर्वज और अंतिम पूर्वज जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक हम लोग राजा जी का पूजा करते रहे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ बैद्यनाथ पासवान, इससे पहले सरपंच पति, आज के डेट में जो है सो मैं पंचायत समिति हूँ। आज की पूजा में खास क्या क्या होता है? आज जो पूजा हो रही है हमारे राजा सलेश का और ब्रह्म का, फर्स्ट पूजा किया जाता है ब्रह्म का, उसके बाद सेकंड पूजा किया जाता है राजा सलेश का और चूहरमल। अभी हमारे चूहरमल अभी आए नहीं है, वो रूप रखेंगे, रूप जो वो रूप लेकर के आएंगे तब देखेंगे आप भी और इस नेट पर आप दिखाएंगे कि चूहरमल का रूप कैसा होता है। जो मोकमा में सेन फोरे थे चूहरमल, उनका बॉडी गार्ड था राजा सलेश का चूहरमल। अच्छा, रेशमा की क्या कहानी है इसमें, क्या इसमें रेशमा का कहानी वही है जो रेशमा मालिन थी। हाँ। जो राजा सलेश पर इतना न लोभ और प्यार करने की क्षमता कि हम लेकिन राजा सलेश जी इतना छल बल जरूर जानते थे, रेशमा मालिन हमको पीछा पकड़ रही है और इसके साथ शादी संबंध करना चाहते हैं तो उनको कहीं अंत नहीं मिला। वही चूहरमल जो राजा सलेश जी का जो बॉडी गार्ड वही बताए कि पुराने जगह राजा सलेश जी स्नान कर रहे हैं, कहे कि कैसे जाएंगे उनकी बदला में वही मुकमा में जो सेन फोड़ा गया था चूहरमल जो रेशमा मलिना वहाँ पहुँचे थे उस वक्त भी, लेकिन फिर भी राजा सलेश हाथ रेशमा कहाँ से और कैसे प्राप्त कर रहे हैं?